26 जनवरी में किसान जथेबंदी वालों जोर सदा दिता गया सी कि दिल्ली के ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। उस मौके जो लाल किले में घटना वापरी सी, दिल्ली पुलिस वालों किसान जथेबंदी के आगू ते नौजवानों के खिलाफ झूठे परचे दर्ज किए गए सन। उन्होंने परचों को रद्द करवाने ते जेलों में बंद नौजवानों को बिना शर्त रिहा करने वास्ते महराज पिंड में पंजाब के नौजवानों और बुजुर्गों वालों रोस रैली की गई है। इस रैली में अलग अलग पिंडों और शहरों से नौजवान पहुँच रहे हैं। जिला शहर तो भी बड़ी गिणती में ट्रैक्टर लेके नौजवान इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। महराज पिंड पहुँच रहा वा, जो भी अपने भैन भरा जेलों सुटे गए तो उन्होंने हा का नारा मारना वा भी उन्होंने रिहा कराया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा भी यदि अगवाई करेगा, उन्होंने भी आई टी सैल तैयार है। अगे तो की रणनीति होगी जे केंद्र सरकार इन अपना रद्द नहीं करती कानून? ये रद्द ना ही तो केंद्र सरकार रद्द करेगी, केंद्र सरकार करने ही पैणगे। असी उन्ना चिकर तनो मनो लगे रहेंगे, असी भावें शहीद हो जाइए उत्थे, असी वापस कानून करा के फिर ही घर वापस आवेंगे। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो कि पिछले समय तो लम्मा किसानी संघर्ष चल रहा, 26 जनवरी नू लाल किले उत्ते जो केसरी निशान साहब चलाया गया, उस उन्हों टारगेट बना के सरकारा ने जड़ी है वो नीति जड़ी है वो रुख अपनाया, गलत संघर्ष नू तार पीडो करने वास्ते वख-वख नौजवानों के उत्ते केस पाए गए आ। दीप सिद्धू नू फड़ के जेल के अंदर पाया गया, तो इस तरह लखे सधाणे नू पुलिस फड़ रही है। होर भी नौजवानों के उत्ते बीबिया के उत्ते निर्दोष पंजाब वासियों के उत्ते बहुत सारे केस जिहड़े पाए गए आ, उन्हां नू रद्द करवाउण वास्ते अज समूह नौजवान सभावां ते जथेबंदियां दे वल्लों ये जिहड़ा एक इकट्ठ महराज दे विच रख्या गया, अज असीं सारे जिहड़े उत्थे जा रहे हैं जी। किन्ने कु इकट्ठ होण दा उत्थे संभावना बणी? इकट्ठ होने का तो यह समा ही दसेगा जी, उत्थे जाके पता लगेगा। वैसे संभावना है कि बहुत बड़ा इकट्ठ हो रहा, जो सोशल मीडिया तो वाच के पता लगता है। छब्बी जनवरी में किसान जथेबंदी वालों जोर सदा दिता गया सी कि दिल्ली के ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। उस मौके जो लाल किले में घटना वापरी सी, दिल्ली पुलिस वालों किसान जथेबंदी के आगू ते नौजवानों के खिलाफ झूठे परचे दर्ज किए गए सन। उन्होंने परचों को रद्द करवाने ते जेलों में बंद नौजवानों को बिना शर्त रिहा करने वास्ते महराज पिंड में पंजाब के नौजवानों और बुजुर्गों वालों रोस रैली की गई है। इस रैली में अलग अलग पिंडों और शहरों से नौजवान पहुँच रहे हैं। जिला शहर तो भी बड़ी गिणती में ट्रैक्टर लेके नौजवान इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। महराज पिंड पहुँच रहा वा, जो भी अपने भैन भरा जेल सुटे गए तो उन्होंने हा का नारा मारना वा भी उन्होंने रिहा कराया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा भी यदि अगवाई करेगा, उन्होंने भी आई टी सैल तैयार है। अगे तो की रणनीति होगी जे केंद्र सरकार इन अपना रद्द नहीं करती कानून? ये रद्द ना ही तो केंद्र सरकार रद्द करेगी, केंद्र सरकार करने ही पैणगे। असी उन्ना चिकर तनो मनो लगे रहेंगे, असी भावें शहीद हो जाइए उत्थे, असी वापस कानून करा के फिर ही घर वापस आवेंगे। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो कि पिछले समय तो लम्मा किसानी संघर्ष चल रहा, 26 जनवरी नू लाल किले उत्ते जो केसरी निशान साहब चलाया गया, उस उन्हों टारगेट बना के सरकारा ने जड़ी है वो नीति जड़ी है वो रुख अपनाया, गलत संघर्ष नू तार पीडो करने वास्ते वख-वख नौजवानों के उत्ते केस पाए गए आ। दीप सिद्धू नू फड़ के जेल के अंदर पाया गया, तो इस तरह लखे सधाणे नू पुलिस फड़ रही है। होर भी नौजवानों के उत्ते बीबिया के उत्ते निर्दोष पंजाब वासियों के उत्ते बहुत सारे केस जिहड़े पाए गए आ, उन्हां नू रद्द करवाउण वास्ते अज समूह नौजवान सभावां ते जथेबंदियां दे वल्लों ये जिहड़ा एक इकट्ठ महराज दे विच रख्या गया, अज असीं सारे जिहड़े उत्थे जा रहे हैं जी। किन्ने कु इकट्ठ होण दा उत्थे संभावना बणी? इकट्ठ होने का तो यह समा ही दसेगा जी, उत्थे जाके पता लगेगा। वैसे संभावना है कि बहुत बड़ा इकट्ठ हो रहा, जो सोशल मीडिया तो वाच के पता लगता है।